अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे पास LG की इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव 8 kg की वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोड वाली है। मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो स्टार्ट वाला बटन है ये फंक्शन नहीं कर रहा। स्टार्ट के बाद पता चलेगा कि बाकी क्या क्या फंक्शन है, लेकिन फिलहाल स्टार्ट का बटन इसका काम नहीं कर रहा। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। हमने सॉकेट लगाई हुई है, ये इसका पावर का बटन है, पावर हमने ऑन कर दी और अभी इधर से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम स्पिन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और कुछ भी ये फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब किसी ऑप्शन पे भी ये फंक्शन नहीं कर रहा। तो लग ये रहा है कि इसका ये जो स्टार्ट का बटन है या ये खराब है या सर्किट में कुछ मसला है। आपको खोल के चेक करा देते हैं ये सारा, इसको किस तरह रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रॉपर जो रिपेयरिंग है वो आपको इंशाल्लाह चेक कराते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इसको खोलने का क्या तरीका है, आपके पास एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये दो स्क्रू इधर लगे होते हैं लेफ्ट राइट में, आप ये खोल लें। ये जब आपके स्क्रू खुल जाएं तो आप इसको पाउडर वाले सेक्शन को निकाल लें। अभी आपने क्या करना है, इसको ये जो स्कॉप है इसको पीछे पुश करना है, ठीक है, इस तरह। तो ये आपका जो है सेक्शन ऊपर से खुल जाएगा। मशीन ऑफ कर लें और स्विच को बाहर निकाल दें सेफ्टी के लिए। ये हम हटा देते हैं। अभी हमने इसका ये जो फ्रंट पैनल है इसको रिमूव करना है बॉडी से, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो स्क्रू इधर नज़र आएंगे, एक ये वाला और एक इधर। आपने दोनों स्क्रू ये वाले खोल लेने हैं। दो स्क्रू इधर लगे होंगे, इधर और इधर, ये दोनों भी हटा लें। स्क्रू आपके खुल गए हैं। इसमें लॉक टाइप बने होते हैं सिंपली, आप उनको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इसके ये जो कनेक्टर हैं आप इनको हटा लें। पैनल की ये जो कनेक्टर है बाहर निकाल लें, इसको निकाल के हम इस तरह ऊपर रख लेते हैं। ये हमारा पैनल जो है ये खुल चुका है। उसके बाद हम इसके ये जो स्क्रू हैं पैनल के, ये जो सर्किट लगा हुआ, हमारा PCB लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। आपके स्क्रू खुल चुके हैं, आप सर्किट को बाहर रिमूव कर लें। जब हमारा सर्किट आ गया है ये देख लें, तो अभी हमारा ये वाला पावर का बटन है, ये जो है हमारा स्टार्ट का बटन है, ये मैनुअल सिलेक्टर है, ये ठीक काम कर रहा है, बाकी फंक्शन ठीक हैं, सिर्फ ये वाला बटन हमारा काम नहीं कर रहा। तो हम सिर्फ इस पैनल को बाहर निकालेंगे, ये सर्किट हम इसके कवर में ही रहने देंगे। आप इजीली इसके लॉक बने होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये वाले, आप इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सर्किट है, ये हमारी पावर का बटन है इस साइड में, और ये हमारा इस साइड में स्टार्ट का बटन है। कुछ कनेक्शन डैमेज हैं लेकिन अभी तक बिल्कुल प्रॉपर डैमेज नहीं हुई हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। लेकिन फिर भी आप इसको कंफर्मेशन के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप कनेक्शन लेके यहाँ तक आप इसके ज़रिए मल्टीमीटर के ज़रिए आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्ले बटन काम नहीं कर रहा। सबसे पहले हम अपने जो हमारा प्ले बटन है उसको चेक करेंगे। उसके लिए आपको एक डिजिटल मीटर चाहिए या कोई भी मीटर आप ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए। हम इसको बीप पे लगा लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ उसका फंक्शन चेक करना है कि वो फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। इसकी पावर सप्लाई ठीक है, जो उसका कनेक्शन है ये भी ठीक है, आपको बीप सुनाई दे रही होगी। ये वाला ये जो डैमेज है ये हम इसको चेक कर लेते हैं, ये वाली जो डैमेज है ये वाली हम इसको चेक कर लेते हैं। ये वाला कनेक्शन ठीक है हमारा, आपको आवाज़ आ रही होगी बीप की।
हमारा जो स्टार्ट का बटन है, पॉज का बटन है, हम उसको चेक करते हैं। ये आपको क्लिक की आवाज़ आ रही होगी, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये साउंड नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि हमारा जो स्टार्ट का बटन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। हालांकि हमारा कनेक्शन ठीक है, ये देख लें बीप आ रही होगी आपको, लेकिन जब हम इधर चेक करते हैं और नीचे से जब हम स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो वो फंक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो स्टार्ट का बटन है वो फेल हो गया है, वो फेलियर दे रहा है। हम मीटर को साइड में रख के एक दफ़ा इसको डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने कनेक्शन कर दिए हैं इसके, हम इसको पावर सप्लाई देते हैं दोबारा से और इसको पावर को ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गई है, हम कुछ भी रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है, अभी जैसा कि हमारा जो स्टार्ट का बटन है वो काम नहीं कर रहा है। हम इसको टर्न करेंगे, ये हमारा स्टार्ट का बटन है, हम इसको शॉर्ट करके चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली काम करता है या नहीं करता, या इसके बाद भी कुछ चीज़ गलत है। तो ये आपने सुना होगा कि हमारी मशीन ऑन हो गई है, ये आपको घूमती हुई नज़र आ रही होगी, जिससे ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो स्टार्ट का बटन है वो ख़राब है। क्योंकि इसको पानी की सप्लाई भी नहीं है और सिर्फ हम इसको टेस्ट करने के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हम स्टार्ट का बटन जो है, पहले मैं आपको इसको पावर सप्लाई बंद करते हैं। पावर सप्लाई हमने बंद कर दी है। अच्छा, ये जो स्टार्ट का बटन है ये आपको मार्केट से 10 से 20 रुपए में मिल जाएगा, ये वाला। आप लेना पुश बटन ही है, सर ये पुश बटन होता है, आपने लेना पुश बटन ही है। आप इसको चेंज करके बहुत सिंपली आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके सिर्फ दो ही कनेक्शन होते हैं, ये देखें, आयरन से आप इसको चेंज कर सकते हैं इजीली और आपका जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, आफ्टर रिपेयरिंग हमने इसका जो प्ले वाला बटन है ये चेंज कर दिया है, अभी ये फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है, ये आप देख सकते हैं इसको। तो मिसाल के तौर पर हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो अभी देखिएगा, अभी ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको पॉज करेंगे, रुक गया है, फिर ये चल रहा है।